वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलायची वाली चाय बनाना सीखेंगे। मैं दो लोगों के लिए चाय बना ली हूँ, इसीलिए मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है। अभी इसमें मैं 1 टीस्पून इलायची ऐड करूँगी। मैं इलायची को हमेशा पहले ही ऐड कर देती हूँ, इससे इलायची का फ्लेवर चाय में बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसमें इलायची को ऐड किया है, आप इसको अब बॉईल करने के लिए छोड़ दें। ये देखिए हमारे हमारे हमने जो पानी ऐड किया है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से बॉईल कर दें। अब इसमें 2 टीस्पून चाय पत्ती डाल दें। अगर आप कड़क चाय पीना पसंद करते हैं तो 3 टीस्पून ऐड कर दें। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करें। शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम पीते हैं तो 1 टीस्पून, और अगर आप ज़्यादा शुगर पीते हैं तो 3 टीस्पून ऐड करें। ये देखिए अब हमारी चाय उबलना स्टार्ट हो गई है। इसको अच्छे से उबालें। चाय को आप जितना अच्छे से उबालेंगे आपको चाय का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। ये देखिए अब हमारी चाय उबल रही है। अब इसमें हाफ ग्लास ऑफ मिल्क ऐड कर दें। ये देखिए चाय का कलर कितना अच्छा आ रहा है। और इसको अब बॉईल होने के लिए छोड़ दें। अब चाय को बॉईल होने के लिए छोड़ दें। गैस को थोड़ा सिम कर दें ताकि हमारी चाय अच्छे से बॉईल हो जाए। ये हमने अब वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप थोड़ा अच्छे से चाय को बॉईल कर लें। एज यू ऑल नो बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम में इलायची की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप ये अच्छी सी चाय बना के अपने आप भी पीजिए और अपने गेस्ट को भी पिलाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। ये देखिए अब मैंने चाय को कप में डाल दिया। आप अपनी इस हमारी इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।